हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के कबीरदास जी के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कबीरदास की साखियों को, तो आज हम लोग कबीरदास जी के शब्द को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पाठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, कबीरदास जी का जो पहला शब्द है, इन्होंने दो शब्द बताए हैं। इनका जो पहला शब्द है कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरहे मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब स्वासों की स्वास में। तो देखिए, इसमें कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी काबे में हूँ और ना ही किसी कैलाश पर्वत में हूँ, ना ही किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही किसी योग वैराग में हूँ। तो ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य सुनो, मैं तो सभी की सांसों में निवास करता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरहे मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना ही किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही किसी योग वैराग में हूँ। अगर तुम मुझे मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें एक पल की तलाश में मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि सुनो, मैं सभी मनुष्य की सांसों में निवास करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग दूसरे शब्द को पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैधून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परि घर उपरी, कुबदि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति सब जानी, आधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरी जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ रही है। इसमें
कबीरदास जी ने आंधी का वर्णन किया है, हवा का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि हवा धीरे चलती है और आंधी बहुत तेजी से सब कुछ उड़ा ले जाती है। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हे संतों, अब ज्ञान की आंधी आ रही है, भ्रम की टाटी सबय उड़ाली, माया रहे न बांधी। और टाटी का अर्थ होता है दीवार, और भ्रम रूपी जो दीवार है वह टूट कर गिर रही है। माया रहे न बांधी, और माया रूपी जो रस्सी है वह इसे रोक नहीं पा रही है। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, थूनी का मतलब क्या होता है? जैसे जो खपड़ैल का घर आप लोग देखे होंगे, उसमें इस तरह से ऐसे बना होता है और उसमें बहुत सारे बांस लगे होते हैं और एक मोटा सा बांस नीचे से ऐसे खड़ा कर दिया जाता है उसको सहारा देने के लिए, ठीक है? तो उस सहारा देने वाले बांस को बलिंडा बोलते हैं। और थूनी किसको बोलते हैं? जो ऊपर की तरफ बांस ऐसे लगे होते हैं। तो हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ रही है, भ्रम रूपी कमजोर दीवारें गिर रही हैं और माया रूपी रस्सी इसे बांध नहीं पा रही है। और अपना चित्त, अपना हित चाहने वाली जो धन्नी है वह भी गिर रही है, और मोह रूपी जो बलिंडा है जो कि उसे सहारा दिए होता है वह भी टूट रहा है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदि का भांडा फूटा। और तृष्णा रूपी जो छत हमारे ऊपर है, जो हम लोगों ने अपने ऊपर छत बनाया हुआ है, तृष्णा रूपी छत वह भी गिर रहा है और कुबदि का भांडा फूटा। और जितने भी कुबुद्धि लोग हैं सभी का भांडा फूट रहा है। जैसे किसी एक झोपड़ी को बना दिया गया है और उसी के अंदर सब कुछ है, क्या है? भ्रम रूपी दीवारें हैं, माया रूपी रस्सी है, हित चाहने वाली धरनी है, मोह रूपी बलिंडा है और तृष्णा रूपी छत है। तो जब आंधी आती है तो ये सब क्या होते हैं? गिर जाते हैं, और जो कुबुद्धि लोग होते हैं इनका भांडा फूट जाता है। अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अज्ञानी लोगों का भांडा फूट जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए? हमें ज्ञान संतों से प्राप्त होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें संतों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब निर्चु चुए न पानी, तब जो अज्ञानता रूपी पानी की बूंदे हैं वह नीचे टपकना बंद हो जाती हैं। जैसे बारिश में जब कोई झोपड़ी होती है तो पानी उसके अंदर से टपकता है, तो वही इसमें बताया गया है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमें संतों से, तो जो अज्ञानता रूपी ऊपर से छत का जो पानी है वह चूना बंद हो जाता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति सब जानी। और जितने भी अज्ञानी और कपटी एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, इन सभी की गति रुक जाती है। आंधी पीछे जो जल गूठा, प्रेम भरी जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी जब आती है बहुत तेजी से, उसके बाद बारिश होती है, और बारिश जब बंद हो जाती है तो हमें सब कुछ एकदम साफ सुथरा धुला हुआ प्रकाश वाला दिखाई पड़ता है, ठीक है? उसी प्रकार जब हमारे अंदर से अज्ञानता नष्ट हो जाती है, अर्थात हमें ज्ञान का विकास हो जाता है हमारे अंदर, तब हमें अपने आसपास सभी चीज़ें स्वच्छ, धुली हुई और प्रकाश युक्त दिखाई पड़ने लगती हैं। हमारे चारों तरफ उजाला हो जाता है, ठीक है बच्चों? समझ में आया? चलिए इसको एक बार फिर से देखिए।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ रही है, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी माया रहे न बांधी, और भ्रम रूपी जो कमजोर दीवारें हैं वह टूट रही हैं, माया रूपी जो रस्सियां हैं वह भी उसे रोक नहीं पा रही है। हित चित्त की द्वय थून गिरानी मोह पलिंडा टूटा, और अपना हित चाहने वाली जो धनिया हैं वह भी गिर जा रही है, और मोह रूपी जो पलिंडा है वह भी टूट गया है। तृष्णा छान परि भरि उपरि, और हमारे ऊपर जो तृष्णा रूपी छत है वह भी टूट कर गिर रहा है, और जितने भी कुबुद्धि लोग हैं उन सब का भांडा फूट रहा है। जोग जुगति कर संतो बांधी निरचु चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें संतों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे ऊपर जो भी अज्ञानता रूपी पानी है वह टपकना बंद हो जाता है। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति सब जानी, और जितने भी अज्ञानी लोग हैं, कपटी लोग हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जलन रखने वाले लोग हैं, इन सब की गति रुक जाती है। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरी जन भीना, और जब आंधी आती है और उसके बाद बारिश होती है, और जब बारिश बंद हो जाती है तो ये जो आंधी आती है यह अज्ञानता रूपी जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, और बारिश जब बंद हो जाती है तो हमें चारों तरफ आकाश एकदम स्वच्छ साफ सुथरा और प्रकाश उजाला सब दिखाई पड़ता है ना। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश के बाद हमें चारों तरफ हरियाली सब कुछ स्वच्छ साफ सुथरा धुला दिखाई पड़ता है, उसी तरह से जब हमारे अंदर से अज्ञानता समाप्त हो जाती है, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमें अपने चारों तरफ सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, और हमारे चारों तरफ उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ठीक है, जब हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर प्रकाश फैल जाता है, और हमें बाहर से भी सब कुछ अच्छा साफ और उजाला सहित दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कबीरदास जी के दोनों शब्द। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ न समझ में आए कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।